हेलो 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 थोड़ा थोड़ा कम करना। हेलो 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 re dan dan na सुस्वागतम श्री वासुदेव दत्त यांच्या कृपा आशीर्वादाने आणि श्रीमत केशवानंद सरस्वती तांबे स्वामींच्या वात्सल्याने आनंद पर्वणी स्वराभिषेक श्रींच्या चरणी रुजू होत आहे। हाच तो भाग्याचा आनंदाचा क्षण ज्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो। टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया श्री श्री अजित कडकडे यांचा। यांच्या स्वागतासाठी मी मंचवर येण्यासाठी निवेदन करते सौ रोशनी वर्मा यांना। श्री अजित कडकडे यांच्या स्वागतासाठी सौ रोशनी वर्मा यांना मी मंचवर आमंत्रित करते। टाळ्यांनी स्वागत करूया श्री अजित कडकडे यांचा। याचबरोबर आमचे जे वादक मित्र आहे त्यांचाही स्वागत करण्यासाठी तबल्यावर आहे आज आमच्या बरोबर रोहितदास परब। श्री रोहितदास परब यांच्या स्वागतासाठी मी आमंत्रित करते श्री अतुल आठले यांना। टाळ्यांनी स्वागत करूया श्री रोहितदास परब यांचं। हार्मोनियमवर आमच्या सोबत आहे आज श्री प्रकाशचंद्र वगळ। यांच्या स्वागतासाठी मी स्टेज वर आमंत्रित करते सुश्री अनिता लांबाते यांना। टाळ्यांनी स्वागत करूया श्री प्रकाशचंद्र वगळ यांचं। मृदुंगवर साथ देत आहे श्री दिनकर भगत। यांच्या स्वागतासाठी मी स्टेजवर आमंत्रित करते श्रीमती कुंभकार काकू यांना। श्री दिनकर भगत आणि झांजवर साथ देत आहे श्री महाबळी। यांच्या स्वागतासाठी मी आमंत्रित करते सौ मिनल होळकर यांना। श्री महाबळी आणि याचबरोबर यांचे सहगायक आहे श्री किशोरदास देसाई। यांच्या स्वागतासाठी मी आमंत्रित करते सौ रश्मी पानसे यांना। एक अलग सी पहचान बनाने की आदत है हमें। राहें कितनी भी कठिन हो उतना ही मुस्कुराने की आदत है हमें। हम काटो भरी राह की परवाह नहीं करते। अपनी तकदीर को तराशने का हुनर है हम में। ये चंद पंक्तियां पंजाब के शेर बिना वर्दी के वन मैन आर्मी यानी हर दिल अजीज श्री अमरजीत सिंह सुदन जी पर फिट बैठती हैं। दीन दुखियों के लिए समर्पित उनका जीवन चकाचौन से दूर रहकर भी निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों में सदैव लीन रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चकाचौंध से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है श्री अमरजीत सिंह सुदन। वे समाज को ऐसा योगदान दे रहे हैं जो केवल कल्पना से परे ही नहीं है वरन मानवता की अद्भुत मिसाल है। विगत कई वर्षों से आप लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, साथ ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना और भूले भटके बच्चों को घर पहुंचाने ऐसे कई समाज सेवी कार्य को आप अंजाम दे रहे हैं। समाज सेवा कार्य को ही ये अपना कर्तव्य मानते हैं। श्री सुदन जी जात पात से परे इंसानियत को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरों के दुखों को अपना मानकर ही इनका धर्म है। वर्ष 2004 में एक विक्षिप्त महिला की जान बचाने के लिए इन्होंने माणिक बाग रेलवे पटरी पर दौड़ते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की।
तालाब में डूबी एक किशोरी को शव निकालने के बाद उनका तन ढकने के लिए इन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। श्री सुदन जी की इससे कुछ लोगों ने आलोचना भी की, परंतु बाद में उनका कई संस्थानों द्वारा सम्मान किया गया। इन्हें पंजाबी रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है 2010 में, और इंदौर के ये फादर टेरेसा के नाम से भी जाने जाते हैं। आज श्री वासुदेव दत्त इनके आशीर्वाद से आज हम इन्हें श्रीमती सुरेखा ताई होलकर इनकी स्मृति में, जो कि हमारी श्री दत्त माउली भाविक मंडल की प्रेरणा स्रोत रही हैं, उनकी स्मृति में हम इन्हें सम्मानित किए करने जा रहे हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करिए। और सबसे शुभ संयोग ये भी है कि आज इनका जन्म दिवस है, तो इन्हें डबल बधाइयां और बहुत बहुत सारी बधाइयां कि ये यूं ही समाज सेवा के तत्पर रहे। श्री अजीत कड़गड़े जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे सम्मान इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम सुनाई दे रही है। सर्वप्रथम मातृशक्ति को प्रणाम। मैंने आज तक जो भी काम किए हैं उसमें मेरी माँ का मेरे को आशीर्वाद है। बाद में जितने भी जो मेरी मातृशक्तियां यहां बैठी हुई हैं, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन में मेरे दो क्षण ऐसे आए हैं जिन पे मुझे अपने आप पे ग्लानि हुई है। एक जब मैंने जिस बच्ची को पानी से निकाला था, वो नग्न अवस्था में थी और कई लोग खड़े थे, मैंने कपड़े के लिए गुजारिश की और नहीं दिया। मुझे लगा पता नहीं इस इंदौर को क्या हो गया है। मैंने अपनी पगड़ी उतार के उस बच्ची पे डाल दी। आज गुरु नानक जयंती, अभी पिछली 28 तारीख को सरवटे पे एक महिला, विक्षिप्त महिला, नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। मुझे मेरे पास जब मैं फोन आया है, अगर आप भी उस जगह होते तो आपको लगता कि मैं इंदौर को क्या हो रहा है। उनके जो प्राइवेट पार्ट थे वो कुत्ते चाट रहे थे और पास में लोग देख रहे थे। 8 घंटे वो महिला पड़ी रही है। जब मेरे पास फोन आया उस टाइम मैं गुरु नानक जयंती में भंडारे पे बैठा हुआ था। मैं वैसे ही उठ के आ गया आधे भंडारे से और मैं उस माताजी को यहां से उठा के मदर टेरेसा के आश्रम में उज्जैन लेके गया हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगा, आप जब भी पूजा करें मेरे लिए इतनी पूजा करें कि मैं जब तक जीवित हूं ईमानदारी मेहनत से मैं ये गरीबों की, पागलों की और बीमारों की सेवा करता रहूं। और मैं आपसे ये भी चाहूंगा, कभी भी किसी विक्षिप्त पागल या किसी गरीब को देखें, अगर आपसे कुछ नहीं है तो एक फोन जरूर मुझे लगाएं, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाविक मंडळ तर्फे यांना जे स्मृतिचिन्ह सन्मान दिलेला आहे, मी थोडं ह्या काही ओव्या आहेत त्यांच्या नाव आपण थोडं लक्षात घ्या। त्यांच्या नावापासूनच हे सुरुवात होतात आहे। श्रीमान धन्य हो आपका कर्मठ मानवीयता से भरा जीवन, आपके आदर्शो के पथ पर चलने का हम सभी करेंगे प्रण, मनसा वाचा काया से समाज सेवा करना रहा है आपका स्वभाव धर्म, रक्षा करी है दीन दुखियों की, सवारा है हर किसी का जीवन, जीते रहो सुदन साहब,
मिले आपको खुशियां ही खुशियां, तमाम जिंदगियों ने दी है आपको आशीर्वादों की लड़ियां। सिंहों के समान व्यक्तित्व के धनी हैं आप, हर पल नई चुनौतियों को अंजाम देते हैं खास। सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा आपके कार्यों का इतिहास, दमकता रहे आपके सत्कर्मों का सूरज लेकर किरणें हजार। नमन है ऐसे व्यक्तित्व के कर्मों को शत शत बार बार। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनेना। गणेशाला लंबोदर म्हटलं आहे कारण त्याचे पोट मोठे आहे। कमरेला पीतांबर आहे। गणेशानी फणिवर म्हणजे मोठा नाग बांधलेला आहे। सोंड सरळ आहे कारण सरळ लोकांशी तो सरळच आहे। वक्रतुंड म्हणजे वाकड्या तोंडाचा। नवे पण असं म्हटलं तर गणेशाची निंदाच होईल। त्या शब्दाचा अर्थ वक्रांतुंडयती म्हणजे जे वाकडे दृष्ट आहे त्यांना शिक्षा करणारा असा आहे। गणेशाला त्रिनयना सुद्धा म्हटलं आहे। शंकराला जसे त्रिनेत्र आहे तसेच गणपतीला सुद्धा आहे। दोन सामान्य डोळे आणि तिसरा डोळा हा ज्ञान चक्षु आहे कारण गणपती हा ज्ञानाचा विद्येचा देवता आहे। कोणतेही कार्य आरंभ करताना आपली भारतीय परंपरा आहे की आपण गणेशाचं वंदन आधी करतो। कार्यारंभी सुपारी प्रतीक म्हणून गणेशाचे आपण वंदन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। भाविको, भारतीय संगीताची खासियत म्हणजे स्वरापासून निर्माण होणारा राग आणि लयीपासून निर्माण होणारा ताल। राग आणि ताल एका क्षणातच स्वतःच अस्तित्व पटवून देतो, ओळख पटवून देतो। रागाच्या प्रस्तुतीकरणाला सुरुवात होता क्षणीच एका स्वरावरून तो कोणता राग असेल हे आपल्याला अनवधान सुद्धा चटकन कळतं। यावरून आपल्यासारख्या सामान्यांना असं वाटतं की राग आणि ताल हे खूप सरळ आणि सोपं आहे, पण खूबी हीच आहे की हे प्रकरण जरा अवघडच आहे। एखाद्या राग शिकल्या